तो वेलकम टू एस पी थ्री पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी थ्री पॉइंट पर। मैं सुनूँ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2021 और 22 के दौरान फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो पेपर कराया गया है हाल ही में, डीडी यूनिवर्सिटी द्वारा पेपर कराया गया है। आज की इस क्लास में आप लोग को ये जानने को मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं, क्या नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है उसके आधार पर यूनिवर्सिटी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, काफ़ी सारे डाउट आपके आज इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि नोटिफिकेशन क्लास का आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज पूर्णतया हम पेपर पैटर्न के बारे में क्लियर करेंगे, सेमेस्टर प्रणाली क्या है उसके बारे में बात करेंगे और क्या आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो, मैं बात कर लूँ DDU यूनिवर्सिटी की, तो DDU यूनिवर्सिटी जो है अपना पेपर दो आधार पर करा रही है। पहला तो है ऑब्जेक्टिव और दूसरा है रिटन, यानी कि दो मोड में DDU यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा करा रही है। अब बात कर लें हम अवध यूनिवर्सिटी की। अगर हम बात करें अवध यूनिवर्सिटी की, तो अवध यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है कि वो अपना पेपर जो है रिटर्न पैटर्न पर कराएगी, यानी कि आपके जो पेपर होंगे अवध यूनिवर्सिटी के वो क्या होंगे, वो रिटर्न मोड में होंगे, यानी तीन सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, जो नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है, सब जो है सिलेबस तो सब में सेम है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है, जिसमें भी न्यू सिलेबस जारी हो गया है, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है, तो सिलेबस आपका तो सेम है, और लेकिन उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर हम बात कर लें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। इतनी बात आप सब लोग समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, आपकी यूनिवर्सिटी जैसा पेपर कराएगी वो नई शिक्षा नीति से कोई मतलब नहीं है, कि नई शिक्षा नीति में तो साफ तौर पर लिखा गया है कि आपका पेपर रिटर्न पैटर्न पर कराया जाएगा, आपका पेपर रिटर्न पैटर्न पर कराया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि DDU यूनिवर्सिटी में जो पेपर आया है इस बार, वो पूछा गया है दो आधार पर। पहला तो आपसे पूछा गया है रिटर्न क्वेश्चन, तो रिटर्न क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं ऑब्जेक्ट उसमें DDU यूनिवर्सिटी में, केमिस्ट्री में रिटर्न क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं लॉन्ग आंसर में, छः प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तीन का आपको आंसर करना है और प्रत्येक प्रश्न पाँच नंबर के हैं, यानी कुल मिला के 15 नंबर का रिटर्न आ रहा है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है यानी MCQ टाइप जो प्रश्न आ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 40 है, जो डेढ़ नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 60 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के और 15 नंबर आपके रिटर्न के, कुल मिला के 75 नंबर और 25 नंबर आपके आंतरिक वाय मूल्यांकन से यानी कि प्रैक्टिकल का मिलेगा, कुल मिलाकर 100 नंबर का पूर्णांक आपका होना है। तो इतनी बात आप लोग के दिमाग में क्लियर होगी। अगर आपके पास कोई और डाउट है, अगर और कोई समस्या है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके अपनी समस्या बताएं, आप सबकी समस्या का निवारण किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, मैं आप लोग को आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, आपकी यूनिवर्सिटी जैसा चाहेगी वैसा पेपर कराएगी। मैं बात कर लूँ अवध यूनिवर्सिटी, तो उसका पेपर पैटर्न जो है रिटर्न होने वाला है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, उसका पेपर भी रिटर्न होने वाला है। साथ ही साथ DDU का पेपर हो चुका है, तो DDU का पेपर स्टार्ट है, इस समय चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं, अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव और रिटर्न दोनों बेस पर करा रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार के पेपर प्रणाली आप सब में होने वाली, चाहे आपका पेपर रिटर्न हो चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो, दोनों आधार पर
क्लास संचालित होती है SPS3 पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आपकी क्लास जो है डेली चलेगी, डेली संचालित की जाएगी। इस समय पेपर चल रहा था, इस वजह से आप लोग की क्लास संचालित नहीं हो पाई। चलिए आज देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न DDU यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, और जितने भी छात्र छात्राएं DDU यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं वो अपना आंसर की मिला लेंगे कि कितना प्रश्न उनका सही है कितना गलत है। चलिए तो इसी प्रकार से पेपर आपके पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर का फ्रंट पेज है जिसमें दिखा हुआ है सेक्शन बी बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 केमिस्ट्री फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें दिया गया है कि पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं? कुल मिलाकर के 40 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न हल करने होंगे, सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1.5 नंबर का, 1.5 अंक का होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रश्नों को, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ, यानी कि निम्नलिखित अणुओं में उच्चतम बंध कोटि किसका है। तो पूछा गया है बंध कोटि के बारे में। आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकालने के लिए बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से निकालना है, तो उसके आधार पर आप सभी लोग बताएं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी का आंसर आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर के सापेक्ष में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर जब भी नाइट्रोजन का, इसमें देखिए ऑप्शन आपसे पूछा गया है, ऑप्शन पूछा गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन H2NO, तो NO का तो कम है, H2 का भी कम है, ऑक्सीजन का भी कम है, इसमें नाइट्रोजन का अधिक है, यानी नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों N2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का। अब हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे प्रश्न की। आपका दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है आपके एग्जाम में? आपसे पूछा गया है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट बेसिस, निम्नलिखित में से कौन सा नरम क्षार है। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, शायद आप लोग को ये क्वेश्चन दिख गया होगा। सबसे सॉफ्ट क्षार CH3COO-, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सबसे सॉफ्ट। नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड, ये बिल्कुल नहीं, CO2- क्षार, यानी कि इसमें जो सबसे सॉफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा H-, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। ठीक है, तो सभी लोग मिलाते रहेंगे कि आपने क्या आंसर किया है, तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 3 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी मैंने पढ़ाया था, जितना भी सभी लोग ने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा रिवीजन किया होगा, तो उनमें से अधिकांश प्रश्न आप में मिले हैं लॉन्ग आंसर का। जितना भी मैंने बताया था वो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, केवल एक प्रश्न नहीं पूछा गया है। लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में जितना भी मैंने आप लोगों को करवाया था उसमें से केवल एक प्रश्न नहीं पूछा गया है, और 5 के 5 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, मेरे बताए हुए आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जिन लोगों ने प्रश्न तैयार किया होगा उनका अच्छा नंबर अच्छा मार्क्स आना तय है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लुइस एसिड, पूछा गया है लुइस एसिड के बारे में, इनमें से कौन सा लुइस एसिड नहीं है। जल्दी से आप लोग को बताना है लुइस एसिड के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, AlCl3 ये लुइस एसिड है, SbF5 ये भी लुइस एसिड है, SO2 ये भी लुइस एसिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, CN- जो है ये लुइस एसिड नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करते रहिए। आपको ये जानना है कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो सभी लोग, चाहे उनका रिटर्न होना हो चाहे उनका ऑब्जेक्टिव होना है, लेकिन एक बार चेक जरूर करें कि मुझे कितना पता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है एन ऑर्बिटल इज द सेप अराउंड द न्यूक्लियस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सरल पूछा गया है कि कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या होती है, उच्चतम होती है। द
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे अधिक रहती है। ठीक है, आप बाहु प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। पाँचवा प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है आपसे। पूछा गया है, Among the following species, which would show the square planar structure? निम्नलिखित में से square planar structure संरचना कौन बनाता है? जल्दी से सभी लोग का आंसर आना चाहिए, मुझे लगता है सभी लोग का इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर पाँच इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी XEF4 का जो संरचना है, जो शेप है, वो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और छः नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। छः नंबर प्रश्न पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सी इन XEOF2 मॉलिक्यूल। XEF2 अणु में XE का संकरण पूछा गया है। संकरण निकालने के लिए मैंने आप लोग को फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया था कि इस ट्रिक से आप संकरण फाइंड करेंगे। जल्दी से बताइए XEOF2 में XE का संकरण क्या होगा? XE का संकरण जल्दी से आप लोग बताइए, इसका संकरण बताना है आप लोग को। छः नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे, छः नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d XEOF2 का मैंने संकरण किस प्रकार से निकालना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो मुझे लगता है जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा उन सभी का ये आंसर सही होगा, और कितने लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है सभी लोग मेरे पास कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी ज़रूर बताएंगे। चलिए छः नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, sp3d होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सात नंबर प्रश्न पूछा आपसे क्या गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिट। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में अंतरा हाइड्रोजन बंध मौजूद नहीं है। अंतरा हाइड्रोजन बंध किसमें मौजूद नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, H2O की बात किया जाए तो H2O में तो उपलब्ध ही है। ठीक है, बात किया जाए H2S तो H2S में भी उपलब्ध है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 4-nitrophenol तो नाइट्रोफिनोल में उपस्थित है। यानी इस प्रकार से सात नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सी नंबर में यानी कि 2-nitrophenol में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध नहीं मौजूद होते हैं। यानी इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सात नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आठ नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है द फॉर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज क्वांटेड बाई, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द किसके द्वारा बताया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये है जे फोरियर ने जो ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द था उसको खोजा था, उसको सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस किया था, बताया था। यानी इस प्रकार से आठ नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नौ नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा में अधिक मात्रा में मौजूद है? मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए पूछा गया है H2CO3, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4 और ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आपको इन चार ऑप्शनों में से चूज करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में मौजूद है। जब भी आप प्रश्न पढ़ें बहुत ही सटीक ढंग से पढ़ें और अच्छे से समझ करके तभी आप आंसर दीजिएगा। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी है। नौ नंबर प्रश्न का आंसर आना चाहिए। नौ नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4। ये H2SO4 जो है सान सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक
अम्लीय यानी कि अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में मौजूद होता है। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर से पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर से पूछा गया है कि रिक्त स्थान दिया गया है, इज द प्रोड्यूस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया गया इन्फॉर्मेशन, बी है कंप्यूटर, सी है सॉफ्टवेयर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डेटा प्रोसेसिंग का जो कार्य करता है यानी डेटा का जो प्रोसेस है वो कौन सा काम है, वो इन्फॉर्मेशन देना होता है। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है वो इन्फॉर्मेशन का है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता है। सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर अपने कोई भी एप्लीकेशन को चलाता है, कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। ठीक है, डेटा जो प्रोसेसिंग काम है वो इन्फॉर्मेशन का है। यानी राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न 11 नंबर की। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर से दो प्रश्न पूछे गए हैं। कंप्यूटर का मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं कराया था, लेकिन जो मैंने रिटर्न पर लॉन्ग आंसर बताया था उसमें से प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफिलिक, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही है। दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, बॉन्ड एंगल और डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब के बारे में मैंने कम से कम 2 से 3 बार आप लोग को रिपीट कराया है। जब मैंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था। काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया और बताया उन्होंने कि सर आपके पढ़ाए हुए काफ़ी प्रश्न आए, और ये सुनकर भी हमें अच्छा लगा कि मेरी जो कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया उससे काफ़ी प्रश्न आए। और मुझे आशा है कि इसी प्रकार से आप सभी के एग्ज़ाम में जो भी मैं दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, अगर आप तैयार करते हैं तो आपके प्रश्न में वो प्रश्न ज़रूर ही आएंगे, यानी कि आपको मदद ज़रूर मिलेगी हमारी इस क्लास से। ठीक है, तो आप लोग क्लास को डेली रिवीजन करिए, डेली क्लास संचालित की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। और अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका आंसर आप सभी के द्वारा हमें बताना है, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बताना है, 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताएंगे और आपके आधार पर आंसर तय किया जाएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, पूछा गया है इसमें, और मुझे लगता है 12 नंबर प्रश्न आप लोग को देखते ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंटेड इन, इलेक्ट्रॉन बंधुता व्यक्त की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा केजी मोल में व्यक्त की जाती है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना सरल पेपर आया था, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे बहुत ही आराम से पेपर सॉल्व किए होंगे, और यूनिवर्सिटी ने पेपर इसलिए इतना सरल बनाया है क्योंकि आप लोग को तैयार करने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। आप लोग को एक मंथ में पूरा सेमेस्टर फर्स्ट तैयार करना था, इसलिए आप लोग को दिक्कतें हुई हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने पेपर जो है थोड़ा सा सरल बनाया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जितने लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जा रहा है उनका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो मई में होना है। यानी कि आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 मंथ का टाइम मिलेगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो सेकेंड सेमेस्टर भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट करा करके बॉटनी और जूलॉजी का ख़त्म कर दिया जाए, और केमिस्ट्री का अधिकांश टॉपिक हो चुका है, बस फिजिकल केमिस्ट्री आपको बतानी है और ऑर्गेनिक पे कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो उनको मैं कवर करा करके और सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करता हूँ, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता था, सेकेंड सेमेस्टर में आप सबको एग्ज़ाम पैटर्न भी पता होगा, साथ ही साथ किस प्रकार के प्रश्न आए हैं कोई डाउट नहीं होगा, केवल और केवल आपको सिलेबस पे फोकस करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसलिए जल्द ही सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग का एग्ज़ाम हो गया है, कितने लोग को लाइक चैट में आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग का एग्ज़ाम हो चुका है और कितने लोग सेकंड सेमेस्टर के लिए तैयार होने वाले हैं, कितने लोग तैयार हो चुके हैं कि सेकंड सेमेस्टर की क्लास संचालित की जाए। चलिए
13 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर करिए। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है द पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल आर कॉल्ड द डिजनेट ऑर्बिटल एज दे है। पी एक्स पी वाई और पी जेड कक्षक को डिजनरेट कक्षक कहा जाता है क्योंकि उनके पास क्या होती है, उनके पास होती है इक्वल एनर्जी। क्या होती है? इक्वल एनर्जी होती है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया है बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। ये कक्षा मैं क्लास फिफ्थ में था या फोर्थ में रहता था तो कंप्यूटर का एक बुक चलती है, कंप्यूटर की एक किताब चलती है सीबीएसई बोर्ड में, तो उसमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत जनरल चीज़ें पूछी गई हैं। इसमें पूछा गया है कि रोम स्टैंड फॉर, रोम का मतलब क्या है? तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर सभी लोग को आना चाहिए क्योंकि इसका मैंने आप लोग को पाई सिग्मा और पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग किस प्रकार से करता है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग किस प्रकार से होता है, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को क्लास विस्तृत बढ़ा दी है, बता दी है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि आणविक कक्षकों के फसवरीय अध्यवस्थन के बनने वाला आबंध क्या है? द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन ए। चलिए इसका आंसर आना चाहिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर, सभी लोग का 15 नंबर प्रश्न का आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। जब पाई बॉन्ड बनता है यानी कि आणविक कक्षक, द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन पाई बॉन्ड, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आणविक कक्षकों के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, यानी राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं इस क्लास के साथ साथ, आप लोग को आंसर राइटिंग तो पता चल गया होगा कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है। सभी लोग जल्दी से बताइए, आप लोग कह रहे थे सर हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, सभी लोग पेपर दे करके आए हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो हिंदी में पेपर दे करके आया है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोगों ने इंग्लिश में आंसर राइटिंग किया है तो क्लास जो है वो इंग्लिश में ही आप लोग समझने का प्रयास करिए, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनमें रिटर्न पेपर होना है, मैं खासकर अवध यूनिवर्सिटी को बता रहा हूँ, अवध यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सभी लोग रिटर्न पैटर्न पर अपना इंग्लिश में आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें और प्रैक्टिस करें, तभी आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संकरण से प्रश्न पूछा गया है, संकरण निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा संकरण से प्रश्न आए हैं। पूछा गया है आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिटिलीन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर करिए सभी लोग। एसिटिलीन का संकरण बताना है तो एसिटिलीन में जो संकरण पाया जाएगा 16 नंबर प्रश्न में, उसमें पाया जाएगा एसपी संकरण। क्या पाया जाएगा? एसपी संकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज, sp3 संकरित कक्षीय के मध्य कोण का मान क्या होगा? तो sp3 संकरण में जो बॉन्ड एंगल पाया जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो बॉन्ड एंगल 17 नंबर प्रश्न का क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मेरे प्यार दोस्तों 109.5, यानी राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, हो सकता है एक आध दो प्रश्न के जो आंसर हैं वो आपसे मैच नहीं कर रहे हों, क्योंकि उसका जो आंसर है कुछ अपवाद, इसमें एक दो पूरक प्रश्न होते हैं। देखिए पेपर में दो प्रश्न कम से कम पूरक प्रश्न होते हैं जिनका आंसर यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि उनका यूनिवर्सिटी जो आंसर देगी वही मान्य होगा। क्योंकि अगर जैसे 40 प्रश्न दिए गए हैं और कोई बच्चा 40 में से 40 कर ले जाएगा तो उसको पूर्णांक जो है पूरक मिल जाएगा, इसीलिए इसमें दो चार प्रश्न जो होते हैं, तीन प्रश्न वो पूरक प्रश्न डाल दिए जाते हैं ताकि सभी लोग को पूर्णांक ना प्राप्त हो सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, जो अभी 17 नंबर प्रश्न हमने सॉल्व किया, बॉन्ड एंगल के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेथेनॉल इज सॉल्वल इन वाटर ड्यू टू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी आपके पेपर के एक दिन पहले, जिस दिन आपका ऑब्जेक्टिव मैंने रीच करवाया था, उस दिन मैंने बताया था जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख जाए पूरे भी ऑप्शन में तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा,
और जब भी आपसे पूछा जाए सॉल्वबल इनसॉल्वबल की बात और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए तो वो राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया है मेथेनॉल पानी में घुलनशील क्यों है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है मेथेनॉल ये क्या है पानी में घुलनशील है हाइड्रोजन बंध, यानी किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एसपी संकरण का उदाहरण नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया BCl2, दूसरा है बी नंबर है BeH2 और सी नंबर है SnCl2 और डी है BeF2। इनमें से किसमें एसपी संकरण नहीं पाया जाएगा आपको बताना है। एसपी संकरण किसमें नहीं पाया जाए जल्दी से आप लोग बताइए, संकरण निकाल करके जल्दी से बताइए फटाफट। देखिए जो संकरण है वो जेड की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जेड की वैल्यू एसपी जेड की वैल्यू जब एक आएगी तो संकरण क्या होगा, जेड की वैल्यू जब एक आ जाए तो संकरण एसपी पाया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें 19 नंबर प्रश्न में। मेरे प्यारे दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, SnCl2 में जो संकरण है वो एसपी नहीं पाया जाएगा, यानी राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए करते हैं, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है हाइड्रोजन इन्वॉल्व संकरण में शामिल है, संकरण में क्या शामिल होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। संकरण में मिक्सिंग अप एटॉमिक ऑफ ऑर्बिटल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मिक्सिंग अप एटॉमिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि 20 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संकरण में शामिल होता है परमाणु कक्षक का मिश्रण, क्या होता है, परमाणु कक्षक का मिश्रण शामिल होता है। इस प्रकार से सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था एग्जाम में, बहुत ही सरल प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 21 नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बिल सो डाइपोल मोमेंट, निम्नलिखित में से किस अणु के पास द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रश्न मैंने आप लोग को बताया था जिस दिन आपका पेपर था उसके एक दिन पहले मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया था, डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था कि डाइपोल मोमेंट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न हूबहू मैंने करवाया था और बताया था कि इसमें CHCl3 होना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किसी अणु में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा, CHCl3 में पाया जाएगा, CH4 में नहीं पाया जाएगा, CCl4 में नहीं पाया जाएगा और CO2 में नहीं पाया जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। क्योंकि जो ये क्या है ये सब पोलर मॉलिक्यूल है, CHCl4 जो है ये क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, CO2 जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब भी x का मान जो है वो क्या आ जाए नॉट इक्वल टू जीरो तब क्या होगा वो पोलर होगा, और जब जीरो होगा तो वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब मैंने आपको डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बताया था और वहाँ पर मैंने बताया था कि जब म्यू बराबर क्यू इंटू डी जो आपका फार्मूला था डाइपोल मोमेंट का, इसके आधार पर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आती थी उसी के आधार पर निकाला जाता था डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए मैं बता दिया है, आप लोग क्लास प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से 21 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। ये अनुनाद से पूछा गया है, आपका चैप्टर नंबर एक है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी, ये तो चैप्टर नंबर दो है, पहला है मॉलिक्यूलर पोलारिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस, उससे पूछा गया है। आपका पहला टॉपिक है रिजोनेंस, अनुनाद से पूछा गया है, क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजोनेंट इफेक्ट, निम्नलिखित में से किसे अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। तो अनुनाद प्रभाव जो होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट को कहा जाता है, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है हाइपर कंजुगेशन
इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ अर्थ संयुग्मन में किसका निरूपण या डीलोकलाइजेशन होता है? तो इसमें अर्थ संयुग्मन में साधारणतया जो है वो सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सभी लोग आंसर करते रहेंगे और लास्ट में आप सभी लोग बताएंगे कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। और जिन लोगों का पेपर हो चुका है, जिन्होंने इन्हों DDU में पेपर दिया है, वो अपना आंसर की मिला लेंगे कि उनका कितना सही है, कितना नंबर उनका टोटल बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से पूछा गया है कौन सा समतलीय अणु है। आपको बताना है कि कौन सा समतलीय अणु है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में तो ये तो समतलीय अणु नहीं है, इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, वो ट्रायंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लें एसीटोन की, तो एसीटोन का भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, इन दोनों का ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। और हम बात कर लें फार्मिक एसिड की, तो फार्मिक एसिड एसिड की मेरे प्यारे दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फार्मिक एसिड का जो शेप है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। इनमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा प्लेनर समतलीय अणु है, तो समतलीय अणु कौन सा है, फार्मिक एसिड है। इस प्रकार से जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। 25 नंबर पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सेबेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। निम्नलिखित में से, ये आपके स्टूडियो केमिस्ट्री से पूछा गया है प्रश्न, और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समरूपता को प्रदर्शित करता है, ज्यामितीय समरूपता को कौन सा प्रदर्शित करता है। ए है पेंटेन, बी है 2-methyl-2-pentane, सी नंबर है 2-pentane और डी है 2-methyl-2-butane, यानी कि 1-pentene 2-methyl-2-pentene और सी दिया गया है 2-pentene और डी है 2-methyl-2-pentene। इनमें से आपको बताना है कौन सा यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर को प्रदर्शित करता है। 25 नंबर प्रश्न, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1-pentene कभी कंटेन नहीं करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये ऑप्शन तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है मेथाइल, 2-methyl-2-pentane, यहाँ पर प्रोपेन होना चाहिए तब सही होता। ठीक है, पेंटेन है, यानी ये भी ऑप्शन कट गया। 2-methyl-2-butane, यहाँ भी ऑप्शन कट जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर बनेगा। 2-pentane जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 25 नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाश समता को प्रदर्शित करता है, ऑप्टिकल आइसोमर को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है 26 नंबर प्रश्न में। ऑप्टिकल आइसोमर मैंने आप लोग को पढ़ाया है ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप सभी लोग बताएंगे और आपके आधार पर इसका आंसर तय किया जाएगा कि कितने लोग को इसका आंसर पता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों प्रश्न के जवाब। 26 नंबर प्रश्न आप सभी लोग नोट कर लीजिए और इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात है, पूछा गया है 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, एल्केन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू। एल्कीन किसके कारण ज्यामितीय समता प्रदर्शित करता है, एल्कीन जो है वो किसके कारण ज्यामितीय समता को प्रदर्शित करता है, जल्दी से आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो एक डबल बंद के चारों ओर प्रतिबंधन घूमना, यानी इसके कारण, यानी कि ड्यू टू रिसेसिव रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही है 27 नंबर का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पेपर दिया, जितने लोग तैयार कर चुके थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उन लोगों में सारे के सारे प्रश्न आप लोग को वो मिल गए हैं। संकरण तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और संकरण से लगभग 6-7 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और
जिनका भी ऑब्जेक्टिव होगा संकरण डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक टॉपिक से। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर पूछा गया, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन HCN हाइड्रोजन साइनाइड में एन का संकरण क्या है, साथ ही साथ CH3NH2 में एन का संकरण क्या है, आपको बताना है एन का संकरण। तो जल्दी से आप लोग संकरण निकालिए और बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HCN में जो संकरण पाया जाएगा वो पाया जाएगा SP और CH3NH2 में क्या पाया जाएगा SP3, यानी कि जो आपका संकरण है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, मैं आपको हर ऑप्शन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इस अम्लता के घटने का सही क्रम क्या है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, आप सभी लोग का आंसर आना चाहिए, अम्लता के घटने का सही क्रम क्या होना चाहिए, 29 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए हम 29 नंबर प्रश्न का सभी, यानी कि कुल मिलाकर मैंने आप लोग को 3 प्रश्न दिए हैं, इसमें से ये तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न का आंसर आप लोग का आना चाहिए, 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अगर अच्छे से आपने रिवीजन किया होगा क्लास को, तो मुझे लगता है ये तीनों प्रश्न आपके लिए आसान हैं, और जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही आसान प्रश्न हैं और टिपिकल पूछे गए, थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से मेहनत किए होंगे तो आपका जो नंबर है 40 में से 38 प्रश्न हर बच्चों का सही होना चाहिए जिन लोगों ने मेरे चैनल पर तैयारी की है, मुझे लगता है कि इतना तो सही होना ही चाहिए। चलिए 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, पूछा गया है जनरली एसिस आइसोमर्स हैज द मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर, यानी सामान्यतः ट्रांस आइसोमर में की तुलना में जो सिस आइसोमर है उसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, क्या होता है, लोअर होता है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोस्तों क्या होता है, कम होता है, जो सिस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस आइसोमर्स से क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है होमोलेटिक फिशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम विल प्रोड्यूस, यानी कि आपसे पूछा गया है कार्बन परमाणुओं के बीच सह संयोजक बंध के जो समरूप विखंडन का उत्पादन होगा वो क्या होगा, तो इसमें मुक्त मूलक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, होमोलेटिक फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम विल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, 32 नंबर प्रश्न को, 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है आपसे, 32 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है डाइक्लोरोबेंजीन एग्जिट द 3 आइसोमर आर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर आउट ऑफ 3 आइसोमर 1 विथ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट विल बी, मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया है आपसे कि डाइक्लोरोबेंजीन 3 समता आर्थो मेटा और पैरा समता में मौजूद होता है, 3 समयों में एक उच्चतम डाइपोल मोमेंट वाला कौन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे इसमें पूछा गया है कि डाइक्लोरोबेंजीन में 3 प्रकार के आइसोमर उपस्थित हैं आर्थो मेटा एंड पैरा पर पाए जाते हैं, तो इनमें से सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो डाइपोल मोमेंट के सापेक्ष में जो इसका क्रम है वो क्या है, इसका जो क्रम है वो है पैरा मेटा फिर आर्थो, तो इस प्रकार से जो उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो किसका होगा, वो ऑप्शन नंबर सी का होगा, यानी पैरा का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है द राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज, इसमें पूछा गया मुक्त मूलक की स्थिरता का सही क्रम, तो मुक्त मूलक का जो स्थिरता का सही क्रम होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों मेथाइल प्राइमरी फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, मेथाइल
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इस हिसाब से इसमें जो दिया गया है ऑप्शन में, उसमें आपको देखना है सबसे पहले देखना क्या है, टर्सरी। तो टर्सरी देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, प्राइमरी, पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो टर्सरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का, सॉरी बी सही हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधनायन सबसे स्थिर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 34 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 34 नंबर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द एच सी एच बॉन्ड एंगल इन एथिलीन इज, एथिलीन में आबंध कोण क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है, तो इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, 35 नंबर प्रश्न का आंसर इसमें पाया जाएगा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्चतम है। मेरे प्यारे दोस्तों इनमें से पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक जो है वो उच्चतम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों H2S का जो क्वथनांक वो क्या है, -60 डिग्री है। कितना है, -60 डिग्री है, और H2O का कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें उच्चतम किसका हो जाएगा, इसमें उच्चतम जो बॉन्ड एंगल है, इसमें जो उच्चतम बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, H2O का जो बॉन्ड एंगल क्वथनांक क्या होगा, वो उच्चतम होगा। अगला प्रश्न बहुत ही सरल पूछा गया है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए, ठीक है, 38 नंबर प्रश्न पूछा गया फजान्स रूल से, फजान्स रूल में मैंने आप लोग को बताया था, बहुत ही अच्छे से समझाया था फजान्स रूल। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेट बाई कोवेलेंट बॉन्ड, फजान्स रूल के अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्मेट करते हैं, फजान्स रूल के अनुसार किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्मेट किए जाते हैं। ठीक है, तो फजान के नियम के अनुसार जो सह संयोजी बंद होते हैं वो समर्थित होता है किसके कारण। तो मैंने आपको फजान्स रूल में पढ़ाया था कि जब इसमें फजान्स रूल में जो ऋणायन का आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और धनायन का आकार कम होता है। तो इस आधार पर इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका जो सही आंसर है 38 नंबर का वो क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइए 38 नंबर प्रश्न का आंसर, छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन, 38 नंबर यानी कि स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन, ये तो होगा नहीं, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज बीन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक जो का मान है वो क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इनक्रीज होगी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 40 नंबर प्रश्न जो आपका लास्ट प्रश्न है इस क्वेश्चन का, पूछा गया है द एनर्जी नीडेड टू रिमूव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बॉन्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड गैस एटम इज कॉल्ड, यानी कि एक पृथक गैस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन सबसे शिथिल बाध्य को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो इसमें जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो इनिशिएशन एनर्जी होती है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आयनन ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आपके पेपर में कुल मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं वो 40 प्रश्न आए हैं,
और 40 प्रश्न में से अगर आप लोगों ने 38 प्रश्न किया है तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया था, क्योंकि बहुत सरल पेपर आया था। 6 प्रश्न आए थे आपके लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में, जिनमें से 3 का आंसर देना था और तीनों मेरे पढ़ाए हुए आए थे। 5 प्रश्न मैंने आप लोग को जो बताया था लॉन्ग आंसर में वही पूछे गए थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग का पेपर जो है बहुत अच्छा गया है, और आगे आपका जूलॉजी का पेपर है तो जूलॉजी के लिए मैं अब कल से क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोनों आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए, सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़वाइए, और जल्द ही आप लोगों के लिए सारी क्लास उपलब्ध होगी। और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराऊँगा। सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपको ये गारंटी लेता हूँ कि 80% अगर आप तैयार करते हैं तो 80% मार्क्स SPHD पॉइंट परिवार आप लोग को दिलाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास आपको डेली मिलेगी, संचालित होगी, फिजिक्स का भी क्लास मिलेगा आपको, केमिस्ट्री की संचालित होती है 8 बजे, साथ ही साथ जूलॉजी और बॉटनी की क्लास भी संचालित की जाएगी। अगर जो मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ के लिए मैं आप लोग को बता दूँ कि मैथ की क्लास जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी आपके चैनल पर। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, या आप जा कर के टेलीग्राम पर सर्च करेंगे SP Study Channel First सर्च करेंगे और वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।